ठाकुर साहब हल क्या है कराची का इस टाइम? कराची वाला सुन रहा है आपकी बात, एक बंदा जो लाहौर से आया लेकिन पूरी दुनिया घुमा हुआ, कराची का हल क्या है? हल ये इसका ये है कि भाई जो उस बच्चे को क्या कहते हैं जो दूसरी बीवी से होता है, हाँ सौतेला, सौतेले बच्चे जो है ना सर, इनको निकालना पड़ेगा, इनको अपने अपने घरों में भेजना पड़ेगा, ये अपने घरों में जाएं। क्या बात, इनके अपने घर मौजूद हैं, इनको उनके घरों में भेज के जो कराची के सपूत हैं, कराची की औलाद हैं, जो इस कराची के मालिक हैं, ये उनकी प्रॉपर्टी है, ये उनकी जायदाद है, उनको यहाँ रहना चाहिए और इसको बड़ा ही खूबसूरत एक खूबसूरत वतन बनाना चाहिए। 78 में सर जब आप बात कर रहे हैं, हमारी तो पैदाइश भी नहीं हुई सर, तब आपको गैर मकामी दिखे थे? नहीं नहीं नहीं, कोई भी नहीं था, कुछ नहीं थे, ये जो इन्होंने मेहमान बुला बुला के यहाँ पर वो बुलाए सर, उन पे एहसान किया, उन पे एहसान किया, उनकी जिंदगियां महफूज की और उन्होंने आके हमारी जिंदगी अजीरन कर दी। एजुकेशन की बहुत कमी रही सर यहाँ पर, एक वक्त था यहाँ पर एजुकेशन का रेट बड़ा हाई था, फिर ये लोग आए यहाँ बसने लगे तो गड़बड़ होती गई सर, इसका तदारक करना चाहिए। सबसे पहले वो जो मर्दमशुमारी होती है उसके अंदर बेईमानी नहीं करनी चाहिए। कराची की आबादी आपको कितनी लगती है? मेरे अंदाजे में ये 3 से 5 करोड़ होनी चाहिए। बताई भी पता कितनी है? कितनी? 7 करोड़। जुल्म है, ये ज्यादती है, इसको मर्दमशुमारी एक्चुअल करके उसमें जो जिनका घर है उनको वापस देना चाहिए सर, ये जो कराची के मालिक हैं जो जिनका घर है उनको वापस देना चाहिए ताकि उसको साफ सुथरा रखें, उसको अच्छी तरह फ्रेश करें, फ्रेश एयर चाहिए इनको, ये कर लेना चाहिए, वरना अगर 10 बंदों की जगह पे 15 बंदे होंगे तो उन 10 का भी सांस घुट जाएगा, वो जो ऊपर वाले 5 हैं उनको निकाल देना चाहिए, उनको अपने अपने घरों में भेजना चाहिए, उनके घर हैं या तो वो बेघर हों, उनके अपने वतन हैं, उनके अपने मुल्क हैं, उनके अपने घर हैं, वो अपने घरों में जाएं ताकि लोग सांस ले सकें, सांस लेने के लिए फिजा को अच्छा करना, और ये कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि ये नहीं कर सकते, कर सकते हैं।